हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ डिमांड के मोस्ट इंपोर्टेंट 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। गाइस, इस वीडियो में हम सीरीज बना रहे हैं, सीरीज का नाम है 5 क्वेश्चन सीरीज, जहां हम आपको रेगुलर 5 क्वेश्चन की एक सीरीज देते रहेंगे टॉपिक वाइज। तो आइए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो गाइस, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डैश फॉर अ पर्टिकुलर गुड बाय अ कंज्यूमर मीन्स द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय डिफरेंट प्राइजेस ऑफ दैट कम्युनिटी विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं, मार्केट डिमांडेड कहते हैं, डिमांड कहते हैं, या नन ऑफ दीज कहते हैं। देखिए गाइज, एक पर्टिकुलर गुड के लिए अगर कंज्यूमर डिफरेंट क्वांटिटीज को डिमांड करता है, डिफरेंट प्राइजेस पर डिमांड करता है, तो उसे हम डिमांड कहते हैं। तो डिमांड सिंपली क्या है, डिमांड रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय डिफरेंट प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज डिमांड। सो राइट आंसर इज डिमांड। गाइज, आप अगर वीडियो के में क्वेश्चन के आंसर खुद से देने चाहते हैं, वीडियो को कमेंट कर पोस्ट कर सकते हैं। हम वीडियो पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते, इसलिए वीडियो के आंसर फटाफट कवर कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेस्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक क्वांटिटी। देखिए, ऑप्शन ए दिया गया है डिमांड, ऑप्शन बी दिया गया है क्वांटिटी डिमांडेड, ऑप्शन सी दिया गया है मूवमेंट ऑफ डिमांड, एंड ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड बेसिकली है क्या, क्वांटिटी डिमांडेड स्पेसिफिक क्वांटिटीज हैं जिन्हें कंज्यूमर स्पेसिफिक प्राइस पर ही परचेज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व शोज ऑप्शन ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ऑप्शन बी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ऑप्शन सी नो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, डाउनवर्ड स्लोप जो कर्व होता है वो दिखाता है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होते हैं डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और जैसे ही प्राइस डिक्रीज होते हैं डिमांड इंक्रीज हो जाती है। यानी कि यहां पर हम बात करते हैं, सिंपली यहां पर होता है इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप। तो आंसर बी इसका एकदम सही है। गाइज, वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करके चलेंगे, लाइक करने में कोई कंजूशन नहीं करनी है। वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक करेंगे ताकि हम रेगुलर नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे। फोर्थ क्वेश्चन की भी हम बात करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर डिमांड कर्व फॉर कोर्स ग्रेन क्या होता है, शिफ्ट टू द लेफ्ट होता है, शिफ्ट टू द राइट होता है, बिकम्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, या बिकम्स अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है। देखिए, कोर्स ग्रेन का मतलब होता है इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड वो गुड्स होती है जो इनकम बढ़ने पर जिनकी डिमांड हमेशा डिक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड्स यानी कि सस्ती वस्तुओं की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है। ऐसे भी उन्होंने पूछा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर डिमांड फॉर कोर्स ग्रेन यानी कि इन्फीरियर गुड्स की डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो उनकी डिमांड घट जाएगी यानी कि हमारा डिमांड कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। In case of substitute goods, if the price of one good increases, the demand for the other will. अगर substitute goods है तो क्या impact पड़ने वाला है, option A decrease हो जाएगी, option B remain constant, option C first rise then fall, and option D increase. देखिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं substitute goods होते क्या है। ये वो goods होते हैं जिन्हें एक दूसरे के जगह यूज करते हैं, यानी कि अगर एक महंगा हो जाए तो हम दूसरा यूज कर लेंगे, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। दो अलग अलग कंपनी के मोबाइल फोन एक दूसरे के सब्सटीट्यूट होते हैं अगर दोनों के फीचर सेम है। इसी प्रकार से दो अलग कंपनी के बिस्किट्स एक दूसरे के सब्सटीट्यूट होते हैं, टी एंड कॉफी एक दूसरे का सब्सटीट्यूट होता है। अगर एक महंगा हो जाएगा तो हम उसकी जगह दूसरी कंपनी का परचेस कर लेंगे, तो ये सब्सटीट्यूट होते हैं। तो सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में अगर एक के प्राइस बढ़ जाते हैं तो 100% है दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि हम उसको जिसके प्राइस बढ़कर उसको छोड़कर दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेस कर लेंगे। हम इसका एग्जांपल भी देते हैं। मान लीजिए दो कंपनी हैं, दोनों कंपनी के मोबाइल फोन सेम फीचर सेम क्वालिटी के हैं, दोनों के मोबाइल फोन 24,000 में है। अब अचानक से क्या होता है, एक कंपनी के मोबाइल फोन के प्राइस 24,000 से बढ़ाकर 28,000 कर दिए जाते हैं, तो कस्टमर क्या करेगा, उस कंपनी के मोबाइल फोन को ना खरीद कर उससे जो रिलेटेड उसका जो सब्सटीट्यूट है दूसरी कंपनी के मोबाइल फोन वो परचेस कर लेगा। तो ऐसे में उस गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर सही आंसर आता है इंक्रीज। तो गाइज, ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।